क्या खाएंगे आगे से? पूरी बना लो, रस्ते में खाना है, मिठाई बना लो और फिर जाए भगवान को दर्शन करने। है ट्रेन में देखो तो एक जनी के 10 सामान, इतने इतने बड़े बड़े बक्से रखे हैं, बैग रखे हैं 10-10। और वहां जाए तो किसके लिए न कहे कि हमें भगवान मिले? बताओ भगवान मिल सकता है क्या? भगवान 10 इंद्रियों को वश में करके, और हम भगवान को जिस प्रकार से आपका एक कंगन अगर घूम जाए, एक आभूषण घूम जाए तो बेचैनी कितनी हो जाती है? कहां गया कुंडल? कहां गया? यही तो था, कहां गया, कहां गया? जिस प्रकार से आपका आभूषण घूमता हो उस प्रकार से बेचैनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए। बेचैनी चाहिए कि कहां चला गया ठाकुर, हे परमात्मा कहां चला गया, जब जाकर के गोविंद मिलता है। और हम कहें कि भगवान मिल जाए, कैसे मिल सकता है? अगरबत्ती लगा रही है और इधर दुनिया को रिझा रही है, विषय विकार मिटा, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। संतों की सेवा बताइए, संत कौन होते हैं? जो अगर संत नहीं होते, ब्राह्मण नहीं होते तो ये संसार भी नहीं होता। और विषय विकार मिटाओ, अगर विषय और विकारों का अगर मिटाना है और पाप को क्षण करना है तो मेरे ठाकुर के पास जाना चाहिए। और कहा जाता है शास्त्र में कि बांस तो ही एक ही जगह जला है, कहां कहां जला है? बांस सिर्फ शमशान में ही, जब अर्थी निकलती है तो ही बांस जला है, बीच में बांस कहीं नहीं जला। एक बार अगर बांस जलाने से 7 पीढ़ी के पितरों को भी जिंदा जलाया जा सकता है, इतना पाप लगता है। वेदों को बेचने से इतना पाप नहीं, जलाने से इतना पाप नहीं लगता। गौ की गौशाला में अग्नि लगाने से इतना पाप नहीं लगता जितना पाप बांस जलाने से लगता है। सूखा बांस कभी नहीं जलाना चाहिए। और अपन क्या कर रहे हैं? लगाओ धूप बत्ती लगाओ। पहले क्या होता था? पहले अगरबत्ती नहीं थी, पहले क्या था? पहले धूप वो चलता था, यज्ञ होता था। तन मन प्राण पवित्र बनाती, यज्ञ की पावन ज्योति, यज्ञ के बलिदान से सोई आत्मा जागृत होती। श्राप लगा है प्रभु आज मुझे इस, क्या करें और क्या ना करें? अब राजा परीक्षित को जैसे ही श्राप लगाए तो अब राजा परीक्षित घबरा गए, परिवार को छोड़ दिया, रिश्तेदार को छोड़ दिया, संसार को छोड़ दिया। और जिसकी मौत आ जाए 7 दिन बाद, बताओ क्या करता है वो व्यक्ति, क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं क्या करना चाहिए जिसकी नजदीक मौत आ जाए, तो बताओ क्या करना चाहिए? पीछे वाला तो कह रहे कि ईर्ष्या बाटा कर देना चाहिए, बड़ा छोरा के छोटा छोरा के बुला के ये इतने, ये इतना, इसका इतना है। अरे क्या करना चाहिए? जब भी संत अगर आपके घर जाता हो, ब्राह्मण आपके घर जाता हो, तो कभी भी उससे यूं मत कहो कि मुझे सुखी कर दे, यूं मत कहो कि मेरे घर के अंदर क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे जीवन की अंतिम सांस कब बंद होगी, तो मेरा ठाकुर का दर्शन कैसे हो जाए, वो योग बता दो मुझे। आज राजा परीक्षित को जिसे श्राप लगा है तो पत्नी आ गई, अर्धांगनी आ गई है, क्या हो गया है? तू मेरी नजरों से दूर चली जा, क्योंकि तेरे साथ रहूंगा तो मुझे
नरक में जाना पड़ेगा, तू मेरी नजरों से दूर चली जा, आज मुझे संत का श्राप लगा है, इसलिए मैं संसार को छोड़कर के आज उठा लिया है कमंडल राजा परीक्षित ने और गंगा के किनारे पहुंच गए। अब राजा परीक्षित का पुत्र पुकार रहा है, पिता कहां जा रहे हो, किसका पिता और किसका भाई, तू मेरी नजरों से भी चला जा। आज राजा परीक्षित की अर्धांगनी कहते ही है, प्रभु मेरी ओर निहारो, आज से सातवें दिन बाद मेरी मांग सुनी हो जाएगी, मेरी मांग सुनी हो जाएगी, तुम मुझसे दूर चले जाओगे, मुझसे दूर चले जाओगे, एक बार मेरी ओर निहारो। उन्हें कि नहीं, दयानाथ दयानिधि, क्या है अवस्था, तेरे ही हाथों में है मेरी व्यवस्था, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, और जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। आज तेरे सहारे आज छोड़ करके आज गंगा के किनारे पहुंच गए, अनेक संत वहां एकत्रित हुए हैं। राजन तुम चिंता मत करो, काय का भय है, मेरी मृत्यु है, निकट आ गई है, मुझे श्राप लगाए क्या से सातवें दिन बाद मेरी मृत्यु है, क्या करें, बस महामृत्युंजय करवा लो, आयु बढ़ जाएगी, त्रंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमि वंदना मृत्युर्मोक्षी अमामृतात्। आयु बढ़ाने के लिए महामृत्युंजय करवा लो, नहीं अच्छा दुर्गा करवा लो, भय है तो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा रात्रि स्वाहा सदा नमः। दुर्गा करवा लो, नहीं आयु बढ़ाने के लिए महामृत्युंजय करवा लो, भय है तो दुर्गा करवा लो, पूजा करवा लो, पाठ करवा लो, हवन करवा लो, लेकिन राजा परीक्षित के मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आयु नहीं बढ़ानी, मुझे भय नहीं है, मुझे तो त्रिलोकी नाथ वैकुंठधारी नारायण का दर्शन करना है, मुझे ऐसी कोई कथा बता दो जिससे मेरा कल्याण हो जाए। लेकिन उसी के बीच में आज सुखदेव जी महाराज जिनके हाथ में कमंडल है, मस्तक पर चंद्रमा है, वही 5 साल के सुखदेव जी खड़ौ पहने हुए हाथ में कमंडल बेजंती माला पहने हुए उन्हीं संतों के बीच में पधार चुके हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज जी हो। आज जैसे ही सुखदेव जी महाराज पहुंच रहे हैं, सभी देवताओं ने फूलों की वर्षा की है, शंख ध्वजा मृदंग बजाया है, सुखदेव जी को प्रणाम किया है, उठा लिया सुखदेव, जय हो श्री। आज गिर पड़े हैं आज राजा परीक्षित सुखदेव जी के चरणों में, और जैसे ही प्रभु मेरी जिंदगी की डोर तुम्हारे हाथ में है, मेरी मृत्यु निकट है, कोई बता दो, उनकी राजन तुम चिंता मत करो, आज तुम गुरु की शरण में आए हो, आओ। आज राजा परीक्षित का हाथ पकड़ लिया सुखदेव जी ने और बिठा दिया है, मैंने कि बैठो, आसन लगा करके अपनी सांसों को बंद कीजिए और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कीजिए। ध्यान किया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादहे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। आज भागवत कथा प्रारंभ की है, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ए नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ए नाथ नारायण वासुदेवा पित मात स्वामी सखा हमारे पित मात स्वामी सखा हमारे एक मात स्वामी सखा हमारे पित मात स्वामी सखा हमारे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा श्री राधा जय हो श्री राधे ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी हे ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी हे नित लगे सुहानी भारत की ये कहानी हे नित लगे सुहानी भारत की ये कहानी ये विश्व भारती है ये विश्व भारती है वीरों की अमर वाणी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जय हो श्री राधे निष्काम होकर दिन रात गाओ निष्काम होकर दिन रात गाओ हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हो देहांत काले तुम सामने हो देहांत काले तुम सामने हो देहांत काले तुम सामने बंसी बजाते मन को लुभाते बंसी बजाते मन को लुभाते काके यही में तन नाथ त्यागो न
नाथ यही में तन नाथ त्यागो हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा काम हो कर दिन रात गाऊं हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज राजन आसन ग्रहण करिएगा। आज राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, प्रभु जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए, मुझे वह कथा सुनाइए। बताओ क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए, और किसकी पूजा करें और किसकी पूजा ना करें। क्योंकि अगर शास्त्र का हम देखेंगे तो अनेक देवता हैं, अनेक देवियां हैं, किसकी पूजा करें और किसकी ना करें वह कथा मुझे बताइए। राजा है, राजा परीक्षित आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मानव कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। बताओ कि किसकी पूजा करे और किसकी ना करे। अगर तेज चाहिए ना, तेज चाहिए तो सूर्य की पूजा करना चाहिए, बल चाहिए तो इंद्र की पूजा करना चाहिए, बुद्धि चाहिए तो भगवान शिव की पूजा करना चाहिए, यश वैभव कीर्ति चाहिए तो पितृ की पूजा करना चाहिए, संतान चाहिए तो पितृ की पूजा करना चाहिए, पुष्टि चाहिए, अन्न चाहिए तो पृथ्वी की पूजा करना चाहिए। और जीवन में अगर शांति चाहिए और आनंदमय जीवन निकलना चाहिए तो मेरे ठाकुर मेरे नारायण की पूजा करना चाहिए। जीवन में अगर शांति चाहिए और आनंद चाहिए नारायण की पूजा करना चाहिए। ये नारायण कौन है तो आज विराट रूप बताया है, नारायण सहस्त्र शीर का, जिसके सहस्त्र हाथ है, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं कितने सहस्त्र, सहस्त्र शीर का सहस्त्र ओरखा सहस्त्राक्ष सहस्त्र पाता सभो में गुण सर्वतस्पृत्वा प्रतिष्ठा दशांगुलम्मा विराट रूप, जिसकी नखों में शिला, एक आंख में सूर्य और एक आंख में चंद्रमा, छाती में दया और पेट में अधर्म। मंदिर में जाते अपन तो प्रणाम क्या करते हैं, एक तो पहली सीढ़ी को प्रणाम करते हैं और फिर परिक्रमा में कहां लगाते हैं, कहां प्रणाम करने जाते हैं, मंदिर के पीछे। शास्त्र कहता है कि मंदिर के पीछे प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि गीता कह रही है छाती में दया और पेट में अधर्म, पीछे अधर्म है इसलिए मंदिरों में पीछे दर्शन प्रणाम नहीं करना चाहिए। पहली सीढ़ी को प्रणाम करना चाहिए, पहली सीढ़ी को प्रणाम क्यों करना चाहिए ये बताओ, बताओ कौन 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 जाता है और पहली सीढ़ी को हमेशा हम प्रणाम करते हैं, बताओ क्यों करते हैं पहली सीढ़ी को प्रणाम। मंदिर में जाते हैं ना अपन है? तो फटाक से यूं करके जाते हैं,
क्यों जाते हैं बताओ? पहली सीढ़ी को प्रणाम क्यों किया जाता है? क्योंकि पहली सीढ़ी मेरे गुरु की होती है, इसलिए पहली सीढ़ी को प्रणाम करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। हे ठाकुर, आज गुरु की कृपा से मुझे गोविंद का दर्शन हुआ है, इसलिए हे गुरु, हे गुरुवर, तेरी कृपा से आज मैं यहाँ तक आई हूँ, इसलिए पहले मैं गुरु को प्रणाम करती हूँ। किस किस ने बनाए गुरु? देखो सभी ने बनाए। शास्त्र कहता है कि जो गुरु नहीं बनाता उसकी अधोगति होती है, वो दान भी नहीं कर सकता। बिना गुरु के कुछ अपवित्र, हमेशा अपवित्र रहता है वो जिसने गुरु नहीं बनाया। जिसके जीवन में गुरु अगर नहीं है तो वो जीवन, उसका जीवन अंधकार है, उसका जीवन प्रकाश में नहीं रहता, वो अंधकार में रहता है। यहां तक कि दान भी करता है तो दान भी नहीं लगता जिसने गुरु नहीं बनाया। पार्वती के गुरु कौन है? हैं? नारद जी। ध्रुव के गुरु कौन है? नारद जी। प्रहलाद के गुरु कौन है? नारद जी। और जो जिस भक्त ने भी गुरु बनाया है उसको भगवान गोविंद उसे मिला है। गोपियों के गुरु कौन है? उद्धव। तो जीवन में गुरु बनाना अनिवार्य है, अन्यथा जीवन बेकार है, इसलिए पीढ़ी सीढ़ी को प्रणाम करते हैं। आई कथा समझ में? पीछे वाले कह रहे कि नहीं आई है। ये मैंने कथाओं में हमेशा बताया है। अगली कथा में अभी जामुनिया में कथा करके आया, वहां भी मैंने बताया है कि एक ये सीधा हाथ, ये उल्टा हाथ। हम पूजा करते हैं तो कौन से हाथ से करते हैं? सीधे हाथ से क्यों करते हैं? क्योंकि ये पवित्र है, ये अपवित्र है, इसने जीवन में गुरु नहीं बनाया, इसलिए ये नरक में जाता है, ये स्वर्ग में जाता है। मेरे ठाकुर को चंदन लगाते हैं तो मस्तक पर चंदन लगाया जाता है, ये ठाकुर के सिर तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि इसने पुण्य किया है। जिसने गुरु नहीं बनाया वो अंधकार में है, वो अपवित्र है। अब ये इसे कहें कि भैया मेरा जीवन तो अंधकार में फैला है, मैं तो हमेशा दरिद्रता में जाता हूं, मैं तो किसी काम का नहीं हूं, लेकिन मेरा बताओ, मैं मेरा भगवान मुझे जतन तो बता दो ताकि भगवान मिल जाए, बताओ ये कह रहा है। अब ये हाथ इससे बोल रहा है कि भैया तेरी शरण में ले ले मुझे। अब मंदिर में चन्नामृत लेने जाना, उल्टे हाथ से मांगना, देखा गुरु जी दे है पागल वो आता। क्यों? इस हाथ से जब भी आप कोई भी अगर भोजन भी करोगे ना तो लोग उल्टा हाथ से भोजन कर रहा है। क्यों? क्योंकि किसी काम का नहीं है, इसने जीवन में गुरु नहीं बनाया इसलिए किसी काम का नहीं है। इसने कहा कि भैया तूने तो गुरु बनाया, तू तो गोविंद तक, तू तो भगवान के सिर तक चल जाता है, मुझे भी ले चलना भैया। उन्हें कह रोक, तू चिंता मत कर, तेरा काम कर दूंगा मैं। उन्हें कि तू चिंता मत कर, मैं तेरा काम कर दूंगा। उन्हें कि कैसे? उन्हें कि रोक, तब मित्र बनाओ तो कैसे बनाओ? जो गुरु से, गुरु के पास ले जा सके, भगवान के पास ले जा सके, मित्र हो तो कैसे? अब इस मित्र ने इस मित्र से दोस्ती की, उन्हें कि बता कि तुझे, तूने तो गुरु बनाया लेकिन मैंने नहीं बनाया, तो मुझे तो मेरा उद्धार कैसे हो? उन्हें कि तो चिंता मत कर, चल आया ना मेरी शरण में, आ जा। पहले हमेशा तेरे को गुरु जी डांटते ना, अब नहीं डांटेंगे। उन्हें कि क्यों? रुक, अब पूजा करने के लिए जाए। और जैसे ही पूजा करने के लिए गए तो फूल लिया, और जैसे ही चढ़ाने लगे और बुला रहा, ए आ जा, आ आ मेरे पास आ, तो तुरंत अब डांटे गुरु जी। अब जैसे ही अब चन्ना मर ली और उन्हें कि मेरा क्या होगा? रुक,
उन्हें का रोक 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 हट यूं कर लिया, इसने इसका भी काम कर दिया। तो गुरु का शिष्य भी कभी कभी काम कर देता है, लेकिन गुरु को समझने वाला हो जब आई कथा समझ में है? ये अब हमारे नेमा जी जो जिजमान है ये कूलर लेके आए हैं, अब ये बंद है चल नहीं रहा है, पर मान लो चले और मुझे हवा दे और आपको हवा नहीं दे, तो बताओ ये कंपनी अच्छी है क्या? फेल क्यों? क्योंकि इसने गुरु नहीं बनाया, ये सिर्फ मेरे को हवा दे रहा है। अब कंपनी वाला मेरे से कि भैया गुरुजी ऐसे तो कंपनी डूब जाएगी मेरी, क्या करें? उन्हें कि तू चिंता मत कर, आ जा मेरे पास, उन्हें कि मैं लगाता हूं तेरे को गुरु का। अब वो पंखा बनाए कंपनी, अब उसको मैंने गुरु दीक्षा दे दी, तो उसने उस यहाँ खटका लगा दिया, अब वो यूं भी घूमे और यूं भी घूमे। देखा पंखा, कभी यूं हवा दे और यूं भी दे, अब यहाँ कूलर रहे तो मान लो कि इधर भी हवा दे और आपको भी दे। नहीं नहीं, नेमा जी ने अच्छा किया यार, इधर भी हवा दे रही उधर भी दे रहा, नहीं तो ये अनसक्सेस है। आ गई याद, तो शास्त्र कहता है कि गुरु बनाना चाहिए जीवन में, लेकिन गुरु को समझिए जब। शुरू से मैं कहता हूं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्या मतलब होता है इसका? क्या मतलब होता है बताओ, इसका अर्थ क्या होता है? अब एक गुरु और एक शिष्य है, अब गुरु और शिष्य, गुरु गया कहां पे? गन्ने के बगीचे में चोरी करने के लिए। अब गुरु बैठे हैं दूर और गुरु का नाम है ओम। अब वो गन्ना काट रहा है, अब बगीचा वाले ने देख लिया, अब गुरु समझा रहे ओम ओम, तो उन्हें क्या? उन्हें कि नमो, यानी कि ओम नमो। डंडा लेके आ गया वो, अनेकी भगवते, पहले तो कहा ओम, अनेकी क्या? अनेकी नमो, अनेकी क्या? अनेकी भगवते। अब शिष्य समझे नहीं, अब सेवक आ गया दी डंडे की के वासुदेवा है। तो क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका अर्थ ही अगर हमने समझ लिया तो जीवन बेकार है, लेकिन अगर गुरु मिल गया तो जीवन धन्य बन जाता है, उसके जीवन में आनंदमय हो जाता है, उसका जीवन आनंदमय हो जाता है, उसके जीवन की दुर्गंध निकल जाती है जिस दिन गुरु का हाथ पकड़ लेता है। और गुरु क्या करता है? गुरु आपको सत्संग करवाता है, सत्संग और प्रथम भक्ति, नवदा भक्ति है, लेकिन पहली भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी भक्ति कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? संत का संग हो, संत का संग हो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी भक्ति कथा प्रसंगा। और अगर कथा अगर सुन ली तो फिर जिसके जीवन में हो, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, है? उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद, उसके जीवन में हर संग आनंद ही आनंद। सत्य ऋषियों की वाणी को जानो, सत्य क्या है उसी को पहचानो। सत्य ऋषियों की वाणी को जानो, सत्य क्या है उनको जानो। जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसके हर घड़ी आनंद है। आज राजा परीक्षित कह रहे हैं गुरुवर आगे की कथा मुझे और सुना दो। नारायण का विराट रूप बताया है, छाती में दया और पीठ में अधर्म, पीछे कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। सृष्टि का वर्णन बताया है, तीन प्रकार की सृष्टि बताइए। कल भी मैंने सृष्टि का वर्णन किया था,
एक देवताओं की सृष्टि, एक मनु की सृष्टि, एक मन। देवता किससे सृष्टि करते हैं? मन से। मेरे ठाकुर की इच्छा हुई कि सृष्टि को बनाना प्रारंभ किया तो मन से सोचा कि द्वारिका बनना चाहिए, तो एक रात में द्वारिका बन गई। मन की सृष्टि, ये ब्रह्मा ने, ये जो सनत नंदन सनत कुमार, ये कहां से प्रकटे? ये मन से। भगवान रुद्र कहां से प्रकटे? नेत्र से। ये मन से सृष्टि। उसके बाद अकुति प्रसूति देहूति और उक्तानपात और प्रियव्रत और मनु और शत्रुपा का प्रागट हुआ। उक्तानपात कौन है? उक्तानपात राजा, जिनकी पत्नी का नाम है रुचि और सुरुचि। रुचि कौन है बताओ? कौन है रुचि? जो मन से कथा सुने उसका नाम है रुचि। और सुरुचि, एक तो मन कहे कथा सुन के आऊं, लेकिन दूसरा मन नट नट जाए कि आई का कथा सुनने के लिए जा रही हूं, और लेकिन यहां आकर के क्या करें? आपस में बात ही करो। वहां घर के घर से के आई है, मैं तो, मुझे तो कथा सुनने जाना है, मुझे तो कथा सुनने जाना है, है? लेकिन यहाँ पे मैं तो फंस गई माकड़ी के जाल में, मन नहीं लागे गुरु माला में, ऐसी माया में फंसी हूँ, ऐसी माया में फंसी हूँ कि क्या करो माला में, मन तो लगता ही नहीं है। आज आज अकुति प्रसूति देहूति उक्तानपात, कि रुचि चाहे कि कथा सुने लेकिन सुरुचि बीच में आ जाती है। अब आ जाती है सुरुचि, अब जो रुचि जो रहे वो कथा सुने, लेकिन सुरुचि को बुलाई ले, आजा आजा मेरे पास बात करांगा। हम तो चाहते कि कथा सुने, लेकिन हमारे पाप नहीं चाहते कि कथा सुने। एक आसन पे बैठ करके कथा का श्रवण करना चाहिए। और आगे की कथा मुझे और सुनाई है। और उनके वंश में रुचि और सुरुचि, रुचि के उत्तम, सुरुचि के उत्तम और रुचि के भगवान ध्रुव का प्राकट हुआ। बोलिए ध्रुव भगवान की जय। ध्रुव कौन है? कौन है ध्रुव? 5 साल के छोटे से ध्रुव। आज राजा उक्तानपात आज सिंहासन पे बैठे हैं, और जैसे सिंहासन पे बैठे अपनी रानी को लेकर के, किसको? सुरुचि को, बड़ी रानी को लेके बैठे हैं। और बड़ी रानी कौन है? धनवान घर की, पैसे वाले की घर की है। आज आज उक्तानपात राजा अपने अर्धांगनी अपनी पत्नी को लेके बैठे, और जैसे ही छोटे से ध्रुव घूमते घूमते आज उक्तानपात राजा के पास पहुंचे, उनके पिता को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद आज उक्तानपात राजा ने गोदी में बिठाया, अपने पुत्र को चुम्बन लिया है और गोदी में बिठाया। लेकिन जो सुरुचि है उसने ध्रुव को हाथ पकड़ा और सिंहासन से गिरा दिया, छोटे से बालक को सिंहासन से गिरा दिया। रो पड़ा ध्रुव, इतना इतने रोए ध्रुव, इतने रोए, और रोते रोते अपनी छोटी माँ के पास पहुंचे। और छोटी माँ के पास जैसे ही पहुंचे तो आज रुचि ने कहा, अरे पुत्र तेरी आंखों में आंसू क्यों है? बता तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए बताना तुझे। अच्छा खिलौना टूट गया तेरा, चल मैं तुझे खिलौना दे देता हूँ, चल ले मैं खिलौना दे दूँ। नहीं माँ, मुझे खिलौना नहीं चाहिए, भूख लगी है, चल तुझे भोजन करवा दूं। नहीं माँ, मुझे भूख भी नहीं लगी है। तो क्या चाहिए बता ना, बता तुझे क्या चाहिए, तेरी इच्छा क्यों है, और या आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं, बता क्यों रो रहा है, बता क्या चाहिए। माँ मुझे पता है, आज आज मैं मेरी बड़ी माँ के पास गया,
तो तू ये बता कि आज वो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ नहीं है, तो क्या हुआ बताना। उक्तानपात राजा मेरे पिता नहीं है। अरे तो क्या हुआ बेटा बताना, तू ये बता, मेरी सौगंध खा, बता ये बता, मेरे पिता नहीं है। हे पिता, पता है माँ, आज मेरी इच्छा हुई है कि आज मेरे पिता की गोद में बैठूं, लेकिन आज जैसे पहली बार मैं गोदी में बैठा हूँ, लेकिन आज मेरी माँ ने मुझे धक्के दे के गिरा दिया है। बता बता, मुझसे प्रेम नहीं करते मेरे पिता, मेरे से प्यार नहीं करते क्या मेरे पिता, बता। ऐसा जीवन के अंदर हमने कौन सा अपराध कर दिया, किस बात की सजा दे रहा भगवान मुझे, मुझे धक्का दे के निकाल दिया, और मेरे पिता ने, मेरे मेरे खून ने, मेरे पिता ने। लिपट गई, आज गले से लगा लिया, छोटे छोटे से, आज छोटे से 5 साल के बालक क्या जाने। बेटा तुझे पता है तेरे पिता की 2 शादी हुई है, मैं हम बहुत गरीब हैं रे, हम बहुत गरीब हैं, इसलिए हम राजा के लायक नहीं है, हम सिंहासन पे बैठने के लायक नहीं है, हम बर्तन मांजने के लायक हैं। वो बहुत धनवान उस गोदी में तेरा बैठने का अधिकार नहीं है, वहां तो उत्तम बैठने का अधिकार है, उत्तम ही बैठ सकता है, तू नहीं बैठ सकता। माँ भले कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे पिता की गोदी में बैठना है, मुझे पिता की गोदनी में बैठना है। उन्हें कि तो चिंता मत कर, पर मेरी सौगंध खा, मेरी बात मानेगा? हाँ माँ, मेरे सिर पे हाथ रख, आज ध्रुव को सिर पे हाथ रख करके सौगंध खिलवाइए माँ ने, कि बता क्या चाहिए। उन्हें कि उठा कमंडल और चला जा जंगल में। क्यों? हाँ, तुझे गोदी में बैठना है ना, तो इस संसार की गोदी में क्या बैठना, उठा कमंडल और साक्षात गोविंद के चरणों में जा, ऐसी गोदी तुझे मिलेगी जहां कोई भी उस गोदी से कोई उतार भी नहीं पाएगा, उठा कमंडल और चला जा जंगल में। उसी वक्त उसी समय 5 साल के ध्रुव ने उठा लिया कमंडल और वस्त्र को त्याग दिया, गले में वैजंती माला, कंठी लेकर के, धोती पहन करके नंगे पैर चल पड़े जंगल में। अरे मातृ शक्तियों, बताओ हमारा पुत्र हमारी बात मानता है? हमारे पुत्रों से अगर हम कहें कि जा एक गिलास पानी लेके आ जा, बताओ पिला सकता है? लेकिन छोटे से ध्रुव उठा कमंडल, ना सोचा ना समझा, तुरंत उठा लिया कमंडल और जंगल में चल पड़ा। नारद जी मिले हैं रास्ते में, बेटा कहाँ जा रहा है? पता नहीं। किसकी वजह से आया? पता नहीं, लेकिन नारद जी ने कहा, बेटा तेरे खेलने के दिन हैं, इस जंगल में क्या करेगा, जा घर लौट जा, यहाँ जंगल में अनेक शेर चीते रहते हैं, तेरी मृत्यु निकट कर देंगे, चला जा घर, चला जा। नहीं नारद जी, मेरी माँ ने मुझे वचन दिया है और माँ की सौगंध खा करके मैं निकला हूँ धर्म को बचाने के लिए, देख लो ये मैंने कमंडल उठाया है, आज जंगल में चल पड़े हैं। कहाँ जाएगा यानी कि पता नहीं, किसकी पूजा करेगा पता नहीं, तो पता कुछ नहीं है कहाँ जा रहा हूँ, पता कुछ नहीं है कहाँ जा रहा हूँ, पता कुछ नहीं है कहाँ जा रहा हूँ, पता कुछ नहीं है कहाँ
कहाँ जा रहा हो, तू ले जा रहा है वहाँ जा रहा हो, तू ले जा रहा है वहाँ जा रहा हो, पता कुछ नहीं है कहाँ जा रहा हो, पता कुछ नहीं है कहाँ जा रहा हो। अंधे की लाठी पता बे पता का, ओ अंधे की लाठी पता बे पता का, मैं भल पा रहा हूँ अपनी घटा का, मैं भल पा रहा हूँ अपनी घटा का, कहाँ से कहाँ ठोक देखा रहा, कहाँ से कहाँ ठोकरे खा रहा हो, कहाँ से कहाँ ठोकरे खा रहा हो, तू ले जा रहा है वहाँ जा रहा हो, तू ले जा रहा है वहाँ जा रहा हो, पता कुछ नहीं है कहाँ जा रहा, पता कुछ नहीं है कहाँ जा रहा हो। और गंगा के किनारे पहुंच गए हैं, और जैसे ही आज गंगा के किनारे पहुंचे तो गंगा की कलकल धारा बह रही है और नाम स्मरण करने लगे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उफान में आ गई है गंगा, आज भगवान ध्रुव को
ध्यान करने नहीं दे रही है गंगा, क्योंकि आज इतना बड़ा भक्त मेरे पास आया है, आज इसके चरण में छूने के लिए आज गंगा आ गई है। लेकिन नेत्र खोल लिए ध्रुव ने और चल पड़े, हे गंगा तेरी कलकल धारा मुझे स्मरण करने नहीं दे रही है, इसलिए मैं तेरा परित्याग करके मैं जा रहा हूँ, तुझे छोड़ करके जा रहा हूँ। तो गंगा ने पांव पकड़ लिया, हे ध्रुव मैं अब शांत हो जाऊंगी लेकिन चुप हो जाऊंगी, लेकिन मेरा घाट छोड़ करके मत जाओ प्रभु, क्योंकि जीवन में जो भी व्यक्ति पाप करता है और पाप करके स्नान मेरे यहाँ करता है, लेकिन मेरा पाप कहाँ जाएगा, तेरे जैसे भक्त इस गंगा में स्नान करेगा तो मैं तो यूं ही शीतल बन जाऊंगी, इसलिए मुझे छोड़ करके मत जाओ, तनिक बैठ जाओ। स्मरण किया है और ध्यान कर रहे हैं, प्रभु से कह रहे हैं, तुम्हारे लिए मैंने छोड़ा जमाना, तुम्हारे लिए मैंने छोड़ा जमाना, मगर फिर भी करने लगे हो बहाना, मगर फिर भी करने लगे हो बहाना, बहाना ना अपना मोहन रूठ जाएगा, कुछ न बिगड़ेगा ये प्रेमी मर जाएगा, महाराणा महामोह ये प्रेमी रूट जाएगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा ये प्रेमी मर जाएगा, ना राज पाना है ना राज को चाहना है, ना राज पाना है ना राज को चाहना है, कुछ नहीं चाहिए, ना हीरा चाहता हूँ ना मोती चाहता हूँ, ना पद चाहता हूँ ना सम्मान चाहता हूँ, पागल बन गया हूँ प्यार में काढ़ा, पागल बन गया हूँ तेरे प्यार में कान्हा, इसलिए तुझे नहीं तेरा दर्शन चाहता, बहाना ना बना मोहन प्रेमी रूठ जाएगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा प्रेमी मर जाएगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा प्रेमी मर जाएगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा प्रेमी मर जाएगा, तुम्हारे लिए मैंने छोड़ा जमाना, तुम्हारे लिए मैंने छोड़ा जमाना, मगर फिर भी तुम करने हो किनारा, मगर तुम करने लगे हो बहाना, अन्न को त्याग दिया, हवाओं को भी त्याग दिया, भोजन त्याग दिया है, स्मरण कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इतना ध्यान किया, इतना ध्यान किया, उसके तप से इंद्र का जो सिंहासन है वो डगमगाने लगा, भगवान शिव का सिंहासन डगमगाने लगा, हवाएं चलने लगी है, तूफान आने लगा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये देखो छोटे से ध्रुव ने भगवान को प्राप्त करने के लिए आज तपस्या कर रहे हैं, लक्ष्मी कह रही है नारायण से प्रभु चले जाओ, वो कब का पुकार रहा है, तो तुम्हारा छोटा सा छोटे छोटे मुख से क्या पुकार रहा है, बहाना ना बना मोहन रूठ जाएगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा ये प्रेमी मर 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 जाएगा। आज
तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। ध्यान किया है तुरंत भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर के वहां प्रागट हो गए और दक्षिण व्रता संक लिया है और ध्रुव के होठों से फूलों की वर्षा होने लगी है।